नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? और आज के इस महामारी के दौर में प्रिकॉशन तो आप ले ही रहे होंगे, तो एक और छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जो भी आपके घर में फ्रूट्स या सब्जियां वगैरह आ रही हैं, तो वो भी बेकिंग सोडा यानी कि खाने का जो सोडा है वो पानी में डाल के जितनी क्वांटिटी आपकी सब्जियों की या फ्रूट है उस हिसाब से आप पानी लीजिएगा एक बड़े से बर्तन में, और उसमें उसी हिसाब से वो बेकिंग सोडा डालिए और वो वॉश कीजिए सारी सब्जियां और फ्रूट्स, उसके बाद आप इस्तेमाल कीजिए। और चलिए अब हम शेयर करते हैं, आज हम बनाएंगे आमटी। आमटी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है और ये महाराष्ट्रियन फूड है। तो ये चने की दाल जो उबालते हैं हम, पूरन पोड़ी बनाते हैं और उसके बाद जो चने की दाल को छान के पानी बचता है उस पानी से ये आमटी तैयार की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आमटी। सूखा नारियल कसा हुआ, जीरा, स्वादानुसार नमक, लाल मिर्च पीसी हुई, हल्दी का पाउडर, सरसों के दाने, थोड़े से दो चार लौंग और दालचीनी का टुकड़ा, प्याज के टुकड़े लंबे कटे हुए, दो चार लहसुन की कलियां, दो चम्मच ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, गुड़, हींग और थोड़ी सी उबली हुई दाल। गैस पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई गर्म हुई है, तो उसमें हमने बिना ऑयल के बिना वैसे ही ये थोड़ा सा जो नारियल लिया हुआ है हमने ये हल्का सा नारियल भूनना है, ब्राउन होने तक ये नारियल को बगैर ऑयल के ही भूनना है। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसको उतार लेना है। तो अभी हम नारियल भून रहे हैं और अब नारियल ब्राउन हो गया, तो अब हमने प्याज डाल दिए, प्याज लहसुन डाल दिए उसमें, ये प्याज और लहसुन भी एकदम से ब्राउन हो जाए, ट्रांसपेरेंट से प्याज हो जाएंगे, बारीक लंबे लंबे हमने प्याज काट लिए हैं और उसको भी ब्राउन करेंगे नारियल के साथ ही, और बिना ऑयल के और वैसे ही भूनना है। और ये आमटी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आमटी उसे कहते हैं जो चना दाल हमने उबाली थी, और चना दाल तो हमने पूरन में भर दिया, पूरन पोड़ी के साथ आमटी बनाई जाती है, तो उसमें उसका जो पानी होता है उससे आमटी बनाई जाती है। अब हमारा ये ब्राउन हो गया है नारियल भी और प्याज भी, और ये अब हमने पल्प लिया हुआ है इमली का, तो अब हमने ये जो नारियल और प्याज और लहसुन वगैरह सब पीसा था, ब्राउन किया था, वो हमने ग्राइंडर में पीस लिया है। अब हमने कढ़ाई दूसरी तरफ और चढ़ा दी, उसमें वेजिटेबल ऑयल डाल दिया, तो इसमें लौंग और ये तेज पत्ता वगैरह हमने डाल दिया है, दालचीनी डाल दी है, अब ये सरसों के दाने डाल दिए हैं। जब तक ये तड़का लग रहा है, क्रैकल हो रहे हैं सरसों के दाने अच्छी तरह से, फिर उसके बाद हमने जो ये ग्राइंड किया था नारियल और प्याज और लहसुन वगैरह वो इसमें डाल देंगे, और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, इस तेल में इसको अच्छे से भूनेंगे। तो ये अब वो मसाला भूनते समय हमने लाल मिर्च, हल्दी डाल दी है, अब इसको और अच्छे से भूनना है। ये हमने सेंधा नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। तो ये जो पानी से बनाई जाती है आमटी और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब ये भून चुका है, अब हमने ये चने का दाल जो उबाली थी उसका पानी हम डाल चुके हैं। अगर हमें ये पतली लगे कि बहुत ही पतली है, तो चने की दाल भी हमने रखी हुई है, तो बाद में वो भी डाल देंगे गाढ़ी करने के लिए। और अब हमने ये गुड़ डाल दिया, ये खट्टी मीठी होती है, अब ये इमली का पानी जो हमने बनाया था वो पानी भी इसमें डाल दिया, तो इसका स्वाद बहुत ही खट्टा मीठा और बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये आप चाहे चावल के साथ खा लो, चाहे रोटी के साथ या पूरन